हेलो फ्रेंड, इजी नर्सिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं एम्स जोधपुर और ऋषिकेश 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो हम बात करते हैं, उसको रिवाइज़ करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, किट सप्लाई एट सब सेंटर इज कॉल्ड एज। जो सब सेंटर पे किट सप्लाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सब सेंटर पे सप्लाई होने वाली किट है किट बी। जो किट बी है, ए और बी जो है सब सेंटर पे सप्लाई होती है, और डी जो होती है पीएचसी पे सप्लाई होती है, और ई के बाद जो पी तक की जो किट होती है वो सारी किट जो होती है सीएचसी पे सप्लाई होती है। किट सी जो होती है वो भी सब सेंटर पे सप्लाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, इन पोलियो वैक्सीन बाइल इनर स्क्वायर ऑफ बीबीएम इज लाइटर देन आउटर सर्किल। इट मींस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो होता है एक पोलियो वैक्सीन के बायल के अंदर एक सर्कल होता है, ये सर्कल, तो ये जो स्क्वायर होता है वो अगर डार्क है, ये जो स्क्वायर अगर लाइट, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बीबीएम का ये स्क्वायर है वो लाइट है, बीबीएम का स्क्वायर जो है लाइट है और ये जो अगर डार्क है तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स क्या है? तो अगर स्क्वायर जो है बी बी एम के अंदर स्क्वायर अगर लाइट है तो उस चीज़, उस जो बायल है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनर और आउटर जो है अगर इक्वल है या फिर डार्क है तो उस बायल को हम फेंक देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज एन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब इज प्लेस एंड इज ऑन द वेंटिलेटर, हिज रिलेटिव कम रनिंग टू यू टेलिंग यू दैट द पेशेंट हैज पुल्ड द ट्यूब आउट ऑफ हिज माउथ, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया हुआ है जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है और पेशेंट वेंटिलेटर पे, उसके रिलेटिव आते हैं, पेशेंट के रिलेटिव आते हैं और हमें बोलते हैं कि पेशेंट ने ट्यूब को खींच लिया है, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो ऑप्शन ए है अप्लाई फेस मास्क विद हाई फ्लो ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सिट द पेशेंट अप एंड कंसीडर चेस्ट फिजियोथेरेपी टू गेट द सिक्रेशन आउट, ऑप्शन सी है री इंसर्ट द ट्यूब इमीडिएटली अंडर सेडेशन, और ऑप्शन डी है पुल द ट्यूब आउट कम्प्लीटली बैग एंड मास्क द पेशेंट एंड असिस्ट द स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एफर्ट। तो अगर पेशेंट ने ट्यूब को खींच लिया है, बाहर निकाल लिया है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि उस ट्यूब को कम्प्लीटली हम आउट कर दें और बैग एंड मास्क वेंटिलेशन उसको प्रोवाइड करा दे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है, हम वेंटिलेटर पे तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के लिए इनिशियली क्या करते हैं कि बैग एंड मास्क जो है लगाते हैं, जिससे पेशेंट को इनिशियली ब्रीथिंग हो सके, जिससे कि उसका रेस्पिरेशन जो है स्टॉप नहीं हो। तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाइल एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप इन इन्फेंट द नर्स शुड पुल द पिन्ना ऑफ द ईयर। एक पेशेंट को ईयर ड्रॉप, एक बच्चा है इन्फेंट है उसको ईयर ड्रॉप डालनी है, तो नर्स जो है पिन्ना को कहाँ पे पुल करेगी? तो ऑप्शन ए है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ऑप्शन बी है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन सी है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, और ऑप्शन डी है बैकवर्ड एंड अपवर्ड। तो जो इन्फेंट होते हैं और चाइल्ड होते हैं उनके अंदर हम पिन्ना को कहाँ पे करते हैं, जो चाइल्ड होते हैं
उनके अंदर पिन्ना को डाउनवर्ड और बैकवर्ड, और जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर पिन्ना को अपवर्ड एंड करते हैं। तो इसको सीधे सीधे याद रखना है कि इन्फेंट है या बच्चा है तो उसका हम जो ईयर है नीचे की तरफ पुल करते हैं, मतलब कान को खींचते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कान को खींचते हैं। तो जो बच्चा होता है उनके अंदर डाउनवर्ड और बैकवर्ड हम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए है, ड्रॉ ए सैंपल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज्ड। ऑप्शन बी है, रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन सी है, वार्म द ब्लड प्रोडक्ट टू बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट चिलिंग्स। और ऑप्शन डी है, मेंटेन पेटेंसी ऑफ आईवी कैथेटर विथ डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि जो ब्लड है उसको स्लोअर रेट में चलाना चाहिए कुछ टाइम तक। कुछ टाइम मतलब हम ब्लड को 15 मिनट तक स्लो रेट में स्टार्ट करते हैं, हम ब्लड को 15 मिनट तक स्लो रेट में स्टार्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज स्टोर्ड इन फ्रीजर। तो कौन सा वैक्सीन जो है फ्रीजर के अंदर स्टोर किया जाता है? तो सबसे बात करते हैं हीट सेंसिटिव की। तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन के अंदर है, फ्रीजर के अंदर स्टोर किया जाता है, तो वो है मीजल्स। डीपीटी एंड टीटी जो होता है वो फ्रीजर के अंदर उनको नहीं रखते, वो टेम्परेचर के ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। बीसीजी होता है वो टेम्परेचर के सेंसिटिव होता है लेकिन मीजल्स से कम सेंसिटिव होता है। तो ज़्यादा सेंसिटिव जो होता है हीट के प्रति वो होता है मीजल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, टेम्परेचर एक्सपोजर इंडिकेटर ऑफ ए वैक्सीन इज। मतलब जो वैक्सीन के अंदर टेम्परेचर एक्सपोजर को इंडिकेट करता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पोलियो वाला क्वेश्चन कि एक वैक्सीन है उसका BVM हम चेक करते हैं। तो इसका आंसर जो है ए, टेम्परेचर एक्सपोजर जो इंडिकेटर है तो वो है BVM, वैक्सीन बायल मॉनिटर। वैक्सीन बायल मॉनिटर जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए साइट कौन कौन सी है? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम कहाँ, स्केपुला, एंटीरियर थाई, लोअर एब्डोमन और एंटीरियर अपर आर्म। तो वैसे तो अपन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन तो कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन जो एंटीरियर अपर आर्म है वहाँ पे हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। स्पेशली कुछ दिया नहीं है इसमें कि बच्चों के अंदर है या एडल्ट के अंदर है। तो सबक्यूटेनियस तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, स्केपुला पे भी लगा सकते हैं,
एंटीरियर थाई में भी लगा सकते हैं, लोअर एब्डोमन में भी लगा सकते हैं, लेकिन अब एंटीरियर जो अपर आर्म होती है वहाँ पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नहीं लगता है, वहाँ पे मसल से जो है होती है, तो फैट जो है, फैटी जो टिश्यू है वहाँ पे बहुत कम होता है एंटीरियर अपर आर्म पे। तो इसका वैसे तो करेक्ट आंसर तो ए बी सी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा होगा, इसमें शायद गलत टाइप हो रखा है। तो करेक्ट आंसर ए बी है, स्केपुला में भी लगा सकते हैं, एंटीरियर थाई में भी लगा सकते हैं और लोअर एब्डोमन में भी हम लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम पढ़ते हैं तो ये पेशेंट ऑन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन डेवलप्ड रोलिंग ऑफ आई अपवर्ड, दिस इज इंडिकेटिव। मतलब कि एक पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है, वो पेशेंट जो है रोलिंग ऑफ आई अपवर्ड, अपवर्ड कर रहा है, तो रोलिंग ऑफ आई अपवर्ड है पेशेंट की, तो इसका मतलब है एंटीसाइकोटिक का जो इफेक्ट होता है वो होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो होते हैं 5 होते हैं, पहला स्यूडो पार्किंसोनिज, सेकंड है एकेस्थीसिया, थर्ड है मसल्स डिस्टोनिया, फोर्थ है ट्रेडिव डिसकाइनेसिया और फिफ्थ है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो ये जो है रोलिंग ऑफ आई अपवर्ड का मतलब है ये जो मसल्स डिस्टोनिया जो होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। बाकी इन सब चीज़ के बारे में साइकेट्रिक की जो क्लासेज है उसके अंदर हम सारे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो अभी तो ये है, तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर है सी, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ए रिलेटिव ऑफ ए सिजोफ्रेनिक पेशेंट इन्फॉर्म नर्स दैट पेशेंट इज हैविंग सुसाइडल आइडिएशन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन एक्सेप्ट। पेशेंट के रिलेटिव है, सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि एक पेशेंट्स को सुसाइडल आइडियाज जो है आ रहे हैं, पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज जो है आ रहे हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन एक्सेप्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सेप्ट सभी जो है हमें करने चाहिए लेकिन कौन सा नहीं करना चाहिए, तो इन्फॉर्म द डॉक्टर रिगार्डिंग द सिचुएशन, सेकंड है डू नॉट आस्क द पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग सुसाइडल आइडिएशन, थर्ड जो है इंक्रीज द एनवायरमेंटल सेफ्टी और फोर्थ डी है कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट। तो एक पेशेंट है जिसको सुसाइडल आइडिया आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, एनवायरमेंटल सेफ्टी है उसको हम बढ़ा देंगे क्योंकि पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं, और कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि पेशेंट सुसाइड नहीं कर ले, लेकिन हम क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट से कि तुम क्यों सुसाइड करना चाह रहे हो या फिर तुम्हें कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा डू नॉट आस्क, ये गलत है, हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम्हें क्या आइडिया जो है आ रहे हैं, आस्क द पेशेंट अगर होता तो ये सही होता, लेकिन इसमें दे रखा डू नॉट आस्क मतलब ये गलत है, हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ए नर्स इन द लेबर रूम परफॉर्मिंग वेजाइनल असिस्मेंट ऑन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन लेबर एंड नोट द प्रेजेंस ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम यूट्रस, व्हाट वुड बी द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक नर्स है लेबर रूम में परफॉर्म कर रही है वेजाइनल असिस्मेंट कर रही है प्रेग्नेंट लेडी का लेबर के दौरान, एंड नोट द प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम यूट्रस, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो यूट्रस के द्वारा बाहर आ चुका है, व्हाट वुड बी द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो नर्सिंग एक्शन कौन सा है इनिशियली, तो ऑप्शन ए जेंटली पुश द कॉर्ड इनटू द वेजाइना,
मतलब कि जेंटली पुश करना चाहिए, नहीं करना, प्रेशर हमको नहीं लगाना। अगर प्रेशर लगाएंगे तो अम्बिलिकल कॉर्ड रप्चर हो जाएगा, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी। बी प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंड लाइन वर्क पोजिशन, मतलब क्लाइंट को ट्रेंड लाइन वर्क पोजिशन में, ये सही है, ट्रेंड लाइन वर्क पोजिशन में देंगे। ट्रेंड लाइन वर्क जो पोजिशन होती है वो होती है एक पेशेंट का हेड एंड जो है डाउन होता है और जो लेग है वो अपवर्ड होती है, तो ये पोजीशन जो है हम देंगे ताकि ये जो यूट्रस के थ्रू बाहर निकला है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो यूट्रस है वो इस साइड उसका प्रेशर आ जाए ताकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए जिससे कंप्रेस नहीं हो कॉर्ड। तो हम ये तो करेंगे, प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंड लाइन वर्क पोजीशन। सी है परफॉर्म वेजाइनल एक्सामिनेशन टू नोट द प्रेजेंटेशन, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकला हुआ है तो अम्बिलिकल कॉर्ड रप्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे, तो हम वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। नोटिफाई द स्टाफ दैट द क्लाइंट विल बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू डिलीवरी रूम, या फिर स्टाफ को नोटिफाई करना है डिलीवरी रूम में इमीडिएटली ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये भी हम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो एक्शन है, इनिशियल जो एक्शन है, पेशेंट को हम क्या करते हैं ट्रेंड लाइन वर्क पोजिशन हम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो प्रेशर है अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर वो नहीं पड़े। तो करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग द परपेरियम एंड हैज एन एल्कलाइन रिएक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी टर्म यूज में लेंगे हम डिस्क्राइब करने के लिए डिस्चार्ज को फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग परपेरियम। परपेरियम के दौरान यूट्रस से जो होने वाले डिस्चार्ज है उसके लिए कौन सी टर्म यूज में लेंगे, एंड हैज एन एल्कलाइन रिएक्शन, जो क्या एल्कलाइन रिएक्शन कर रहा है, तो वो है डी, लोकिया जो है यूज में लेते हैं, जो परपेरियम के दौरान जो डिस्चार्ज होता है उनको लोकिया बोलते हैं। लोकिया तीन तरह का होता है, रुब्रा, सिरोसा और एल्वा। इसके अंदर रेड ब्लड होता है, सिर्फ वाइट डिस्चार्ज होते हैं, इसमें येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, तो ये जो है हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 पे। तो 13 पे हमें एक पिक्चर दे रखी है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। तो ये जो पिक्चर हमें दे रखी है उस वो कौन सी पिक्चर दे रखी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है लैरिंजियल मास्क एयरवे, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन मास्क, ऑप्शन सी है एंडोट्रेकियल ट्यूब और ऑप्शन डी है सिंगल लूमन एयरवे। तो ये जो दे रखी है, हमने पहले एक वीडियो डाल रखी है, तो जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमारे इससे पहले जो है इमेज की वीडियो डाल रखी है, तो वहाँ जाके इमेज देख लो, वहाँ पे सारी जो वीडियो है इमेज है वो है, आपको सब इमेज जो है मिल जाएगी। तो ये इसका जो आंसर है वो है ए, लैरिंजियल मास्क एयरवे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, लैरिंजियल मास्क एयरवे। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की, द नॉर्मल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन द एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर इन ए प्राइमिक ग्रेविडा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्राइमिक ग्रेविडा है जिसका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर है और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर के अंदर एक्टिव फेज है, उसमें सर्वाइकल डायलिटेशन की रेट जो है वो कितनी होती है। तो प्राइमी ग्रेविडा है, सबसे पहले क्वेश्चन में हम बात करते हैं प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा है उसकी 1 से 1.5 जो होती, 1 से 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होती है। तो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर फर्स्ट फेज की फर्स्ट स्टेज के एक्टिव फेज में जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर जो है होती है, उसके बाद ये जो है धीरे धीरे बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट।
वाउंड स्टेबलाइजिंग एजेंट सभी है, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेप्ट नहीं है, तो लिथियम बाई कार्बन, लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम बेल्फोरिक बेल्फोरिक एसिड है, फ्लोक्सिटीन है और कार्बामेजापिन है। तो कौन सा मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं है, मतलब कि मूड को स्टेबल करने वाला एजेंट नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहा है। तो इसका आंसर है फ्लोक्सिटीन। फ्लोक्सिटीन जो होती है वो मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं होती है, ये एंटी डिप्रेसेंट होती है, मूड को एलिवेट करने वाली ड्रग्स होती है, मूड एलिवेट करने वाली ड्रग्स होती है फ्लोक्सिटीन, जो एंटी डिप्रेसेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि लिथियम है वो मैनिया के अंदर देते हैं मूड को कम स्टेबल करने के लिए, बेल्फोरिक एसिड है वो भी मैनिया के अंदर अपन मूड को स्टेबल, कार्बामेजेपिन है वो हम मूड स्टेबलाइजिंग के लिए देते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती है।